तो कैसे हो मेरे रील्स के सितारों, आई होप सब बढ़िया होंगे। तो आज की इस वीडियो में तुम्हें कुछ इस तरह की रील बना के दिखाई जाएगी जो कि काफी ज्यादा आसान है मेरे लिए, तुम्हारे लिए आसान होने वाली जब तुम इस वीडियो को एंड तक वॉच कर लेते हो। तो सबसे पहले तुम्हें कुछ फोटोज की जरूरत पड़ने वाली है, तुम फोटोज का यूज भी कर सकते हो और छोटी छोटी क्लिप्स का यूज भी कर सकते हो, विच इज वीडियो क्लिप्स। एंड इन क्लिप्स को तुम रिकॉर्ड कर सकते हो फ्रॉम योर इंस्टाग्राम स्टोरी, जब तुम इंस्टाग्राम स्टोरी अपलोड करते हो तो होल्ड करके रिकॉर्ड करते हैं ना, उन्हीं क्लिप्स का हम यूज कर सकते हैं इन दिस रील। तो फोटो प्लस वीडियो दोनों का भी यूज कर सकते हैं इस रील में, काफी ज्यादा तगड़ी बन सकती है अगर तुम फोटो प्लस वीडियो का यूज करते हो। तो इसे बनाने के लिए हमें सिर्फ एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी, विच इज VN, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। तो चले लेट्स गो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तुम इस रील का ऑडियो देख सकते हो, तो हमें इनमें से कोई भी रील को सिलेक्ट करना होगा एंड देन क्लिक ऑन 3 डॉट्स एंड देन कॉपी लिंक। एंड इसके बाद हमें एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा विच इज़ इंस्टा सेवर, और इसे ओपन करते ही तुम्हारी रील ऑटोमेटिकली डाउनलोड होने लग पड़ेगी और इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और अब तुम्हें करना कुछ भी नहीं है, इजीली अपनी VN एप्लीकेशन को ओपन कर लो एंड देन क्लिक ऑन प्लस वाला आइकन एंड देन न्यू प्रोजेक्ट एंड देन वीडियो, और वीडियो में जा करके तुमने वही रील को सिलेक्ट करना है जिसको तुमने अभी अभी डाउनलोड करा फ्रॉम इंस्टा सेवर। तो सिलेक्ट कर लिए एंड देन क्लिक ऑन एरो वाला ऑप्शन। तो सबसे पहले तुम्हें अपनी क्लिप के ऊपर टैप करना है एंड नीचे तुम्हें एक ऑप्शन फाइंड करना होगा विच इज़ एक्सट्रैक्ट ऑडियो, सिंपली टैप ऑन इट। और अब तुम्हें अपनी वीडियो में एक स्प्लिट मारना होगा क्योंकि ये एरोप्लेन वाला पार्ट तो हमें चाहिए ना अपनी रील के लिए, बाकी वाला पार्ट हम डिलीट करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्लिप की लेंथ रहने वाली है 5.1 सेकेंड, तो 5.1 सेकेंड के ऊपर आ करके तुम्हें एक स्प्लिट मार लेना होगा एंड देन बाकी का एक्स्ट्रा पार्ट तुम्हें डिलीट कर लेना होगा, और ये बॉटम आप वाली क्लिप भी डिलीट कर लो एंड नाउ क्लिक ऑन प्लस वाला आइकन एंड देन वीडियो फोटो, और फोटो में चले जाओ और यहाँ पे तुम्हें अपने 12 फोटोज को सिलेक्ट करना होगा, 12 फोटोज, एंड देन क्लिक ऑन एरो वाला ऑप्शन, और तुम्हारे सारे सारे फोटोज VN एप्लीकेशन में अब आ चुके हैं। अब तुम्हें अपने ऑडियो के ऊपर टैप करना होगा और इसको तुमने एक्सट्रैक्ट कर लेना होगा कुछ इस तरह से, और अब तुम्हें करना कुछ भी नहीं है, ईजिली तुम्हें अपने फोटोज़ की लेंथ एडजस्ट करनी होगी विच इज़ 0.5 सेकेंड ईच। तुम्हें सारे सारे फोटोज़ की लेंथ 0.5 सेकेंड रखनी है। ईजिली तुम्हें कोई भी फोटो के ऊपर टैप कर लेना है एंड देन ट्रिम, और यहाँ पे तुम्हें पहले 1 सेकेंड सेलेक्ट करना है एंड देन 0.50 के ऊपर तुम्हें इसको सेट कर लेना होगा एंड देन टिक। तो तुम्हें सारे के सारे फोटोज़ के साथ ऐसा ही करना होगा, तो मैं पहले कर लेता हूँ। एंड फोटोज़ हमारे सारे के सारे सेट हो चुके हैं और हमारी रील भी अब बन के तैयार हो चुकी है। लेकिन अगर तुम अपने फोटोज़ में शेक इफेक्ट वगैरह ऐड करना चाहते हो तो इजली फोटो में आ जाओ एंड देन इफेक्ट्स, और यहाँ पे तुम्हें काफ़ी सारे इफेक्ट देखने को मिल जाते हैं लाइक जूम इन, जिटल, काफ़ी सारे इफेक्ट्स हैं, और देन तुम्हें अप्लाई टू ऑल कर लेना होगा, और ये इफेक्ट सारे सारे फोटोज़ के ऊपर अप्लाई हो चुका है। एंड अब तुम्हें अपनी फर्स्ट क्लिप में आना होगा और इजली इसके ऊपर टैप कर लो एंड इफेक्ट्स, और यहाँ पे तुम्हें नन कर लेना होगा क्योंकि ये शेक इफेक्ट तो सारी की सारी क्लिप्स के ऊपर अप्लाई हो चुका था, तो हमें फर्स्ट क्लिप के ऊपर ये इफेक्ट नहीं चाहिए, तो नन कर लिए देन टेक। और अगर तुम अपनी फोटोज़ में थोड़ा कलर ग्रेडिंग करना चाहते हो तो ईजिली फिल्टर्स में चले जाओ एंड देन एडजस्ट, यहाँ भी जाकर तुम अपने हिसाब से कलर ग्रेड कर सकते हो, अदरवाइज फिल्टर में ही तुम्हें काफ़ी सारे फिल्टर देखने को मिल जाते हैं लाइक दिस, और ये आईफोन विविड फिल्टर है, और अगर तुम इसका यूज़ करना चाहते हो तो ये तुम्हें तुम्हारी VN एप्लीकेशन में नहीं मिलेगा क्योंकि मैंने इसको एक्सटर्नली ऐड करा है। तो अगर तुम भी एक्सटर्नली ऐड करना चाहते हो अपनी VN एप्लीकेशन में तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है एंड देन अप्लाई टू ऑल कर लेना होगा इजली, और ये इफेक्ट सारी की सारी क्लिप्स के ऊपर अप्लाई हो चुका है। एंड अब तुम देख सकते हो कि आखिर रील कैसी बनी है। एंड देन ईजली टैप ऑन एक्सपोर्ट ऑप्शन एंड देन एक्सपोर्ट ओरिजिनल को इनेबल कर लेना देन टेक, और तुम्हारी रील ऑटोमेटिकली एक्सपोर्ट होती चली जाएगी इन योर गैलरी। आई होप तुम्हें अच्छे से समझ आ गया होगा कि किस तरह से हम ये रील बना सकते हैं। और अगर तुम इंस्टाग्राम के ऊपर काफी ज्यादा एक्टिव हो तो मेक श्योर तुम्हें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए क्योंकि हम इसी तरह के कंटेंट तुम्हारे लिए लेके आते रहते हैं एवरी डे। तो इन द लास्ट, अगर तुम्हें अभी तक नहीं पता कि इंस्टाग्राम के ऊपर कौन सा ट्रेंड कब चलता है तो इसका कैसे पता करें, तो ये ऊपर वाली वीडियो देख सकते हो, अदरवाइज नीचे वाली मेरी मन पसंदीदा वीडियो देख सकते हो।